अब हम चलते हैं हमारे जो स्वाध्याय चल रहा है तत्वासु प्रवाचन जो हमारे चल रहे हैं चलेंगे और मंगलाचरण करेंगे दोनों हाथ हृदय स्थान पर। बोलिए ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। सभी की आहारचर्या निरंतराय हो, सभी का चातुर्मास आनंद संपन्न हो, इसी भावों के साथ बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदना भी करेंगे तथा सभी को जय जिनेन। जो झूम के माध्यम से जुड़े हुए साधक गण है, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए साधक गण है, सभी को जय जिनेन जय जिनेन जय। छठा अध्याय जिसे छठा हुआ कहा जाता है, जिसे हम देख रहे हैं आश्रव, आश्रव के भेद, आश्रव क्या है, मन वचन काय योग, योग क्या है, आत्मा में कैसे परिस्पंदन होता है। फिर हमने देखा आश्रव के सांप्रदायिक आश्रव और इरियापद आश्रव, और फिर हमने देखा आश्रव के बाद उनकी विशेषता, हीना दिखता का कारण उनका क्या है, और अब हम उसके बाद अब चलते हैं सातवा नंबर का सूत्र अधिकरण, आश्रव का आधार यानी बेस क्या है, आश्रव का आधार क्या है, अब हम चलेंगे उसकी ओर पढ़ेंगे हम। अधिकरण जीवा जीवाहा, अधिकरण जीवा जीवाहा, अधिकरण जीवा जीवाह, अधिकरण जीवा जीवा। और कोई पढ़ रहा है? अधिकरण जीवा जीवा। बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। आश्रयों के आधार साधा निमित्त हम जो पढ़ रहे हैं वो अधिकरण जीवा जीवा, यानी अधिकरण संधि विच्छेद करेंगे, अधिकरण प्लस जीव प्लस अजीवाहा शब्दार्थ। अधिकरण यानी आधार बेस, जीव यानी जीव, और अजीव, अजीव के दो भेद, अजीवाहा अजीव दो भेद है, जीव और अजीवा, यह बहुवचन लिया है। अधिकरण के दो भेद यहाँ पर बता दीजिए, जीव और अजीव। आश्रयों का जो आधार है वो क्या है, जीव और अजीव। हमने पहले भी देखा था कि ये जो संसार चक्र चल रहा है ये जीव और अजीव के संबंध का ही फल है। जो ये संसार चक्र है दोनों की मिली जुगत भगत से ही चलता है, जीव और अजीव की मिली भगत से ही चलता है। जीव एक पल के लिए भी बिना अजीव के रह नहीं सकता, और अजीव भी बिना जीव के संसार में रह नहीं सकता। पूरा जो संसार चक्र चल रहा है सब जीव और अजीव के संबंध का फल है। शुभाशुभ कर्मों का बंध भी इन्हीं के निमित्त से होते हैं। जो हमारे कर्म बंधन होते हैं वो भी इसी के निमित्त से होते हैं। अतः आश्रयों के अधिकरण जो है, बेस जो है, आधार जो है वो जीव और अजीव है। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि ये दो बतलाए हैं आश्रयों के अधिकरण जीव और अजीव, यानी अच्छे अथवा बुरे जितने भी कार्य है सब जीव और अजीव दोनों के द्वारा ही होते हैं। जो भी दुनिया में हो रहा है सारी की सारी चीजें कहां से होती है, जीव से और अजीव से, ये दो द्रव्य से ही सारी चीजें होती है। ना अकेला जीव कुछ कर सकता, ना अकेला अजीव कुछ कर सकता,
ना अकेले जीव के आश्रय से ना अकेले अजीव के पुद्गल के आश्रय से आश्रय होता है। अकेले से नहीं होता कुछ भी, जो भी आश्रय हम पढ़ रहे हैं स आश्रवा, तो आश्रय कहाँ से हो रहा है? जीव और पुद्गल दोनों की मिली भगत से ही होगा। मिली जुली सरकार है ये, इसके बिना संसार नहीं चलती, मिली जुली सरकार से ही संसार चल रही है। जिस प्रकार से हम एक उदाहरण से समझते हैं, पुरुष बिना स्त्री के क्या गर्भ धारण कर सकता है, गर्भ रह सकता है? न स्त्री के बिना अकेला पुरुष ही गर्भ रख सकता है, न स्त्री अकेली पुरुष के बिना, दोनों की आवश्यकता है। उसी प्रकार जीव अजीव दोनों ही कर्माश्रव के कारण है। दोनों अधिकरण जीव और अजीव दो दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्याधिकरण और एक भावाधिकरण। जीव व्यक्ति और अजीव वस्तु द्रव्याधिकरण है। जीव के कसाय आदि भाव तथा अजीव की शक्ति जैसे तलवार की तीक्ष्णता आदि, ये सब भावाधिकरण है। सामान्य जीव तथा सामान्य अजीव अधिकरण नहीं, किंतु इनकी विशेष विशेष जो पर्याय है वो आश्रव में निमित्त होती है। और यह बताने के लिए यहाँ पर जो द्वि वचन का प्रयोग किया है, बहुवचन का प्रयोग किया है, अजीव जीवा अजीवाहा, ऐसा यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अधिकरणम जीवा जीवा यानी आश्रव के अधिकरण के दो भेद हो गए, जीव और अजीव, यानी जीव की पर्याय और अजीव की पर्याय, ये हमने समझा। आगे हम चलते हैं, जीव के आधार से आश्रव के द्वार कितने होते हैं। आश्रव के मतलब कर्माश्रव के आने के द्वार की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि वो कितने होते हैं। इसके लिए हम सूत्र पढ़ रहे हैं अगला, आद्यम समरम समारंभ योग कृत कारितानु मत कसाय विशेष चतुश्चैकशाः। आद्यम समरम्भ समारंभ समरम समारंभ्य योग कृत कारितानु मत कसाय विशेषैस् तिस 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 चतुश्चैकशाः। आद्यम समारंभ योग कृत कारितानु मत कसाय विशेषैस् तिस 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 चतुश्चैकशाः। पढ़िए। आद्यम समरंभ समारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैकशः। अब पढ़िए दीपा जी। आद्यम समरंभ समारंभार रंभ समरंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकशः। बहुत सुंदर। चलिए संधि विच्छेद, आद्यम प्लस समरम प्लस समारम प्लस आरम प्लस योग प्लस कृत प्लस कारित प्लस अनुमत प्लस कसाय प्लस विशेषय प्लस ती 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 चतुः प्लस च प्लस एकश। आद्यम, आद्य ने जो पहले बताया सूत्र में, शुरू का सूत्र नंबर 7 में अभी हमने पढ़ा था, अधिकरणम जीवा जीवा, पहले क्या लिया था इसमें जीव, अधिकरण में पहला जीव और फिर अजीव लिया है। तो जो पहले सूत्र में बताया है जीव, पहले में जो शुरू में आद्यम में पहले अर्थात जीवाधिकरण। समरम किसी कार्य की योजना बनाना, समारम योजना को कार्य करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना, आरंभ कार्य को आरंभ करना, योग योग कृत याने स्वयं करना, कारित याने अन्य द्वारा कराना यानी दूसरे के द्वारा कराना, अनुमत किसी अन्य द्वारा कार्य किए जाने पर अनुमोदना करना, कसाय कसाय विशेष ही विशेष से आश्रव में विशेषता आती है, इनके क्रमशः तीन तीन और तीन ती 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 चतु यानी चार, च यानी और, एकशा यानी इन्हें परस्पर मिलाने गुणित करने से जीवाधिकरण द्वारा
आश्रव के द्वार है, अर्थात जीवाधिकरण आश्रव इन परिणामों से होता है। अर्थ आदि का जीवाधिकरण समरम समारंभ आरंभ मन वच काय योग कृतकारी तनुमोदना और कषाय विशेषों के द्वारा तीन 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 और चार भेदों से एक एक के साथ होते हुए 108 वेद वाला होता है। हमने रोज प्रतिक्रमण में समरम समारंभ आरंभ कृतकारी अनुमोदना इस प्रकार से हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पहला जीवाधिकरण जो है समरम समारंभ आरंभ के भेद से तीन प्रकार का कितना हो गया, समरम समारंभ और आरंभ के भेद से जीवाधिकरण समरम समारंभ आरंभ के भेद से तीन हो गया। फिर मन वचन काय सूत्र में दिया है, ये देखो फिर दिया है मन वचन और काय योग याने मन वचन काय तीनों आ गए। फिर कृत कारित अनुमत तीन क्या हो गए, समरम समारंभ आरंभ योग यानी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना यानी तीन ये और तीन ये और कषाय, कषाय कितनी होती है चार, क्रोध मान माया लोभ विशेष ही त्रि 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 चतुष एकशः यानी समरम समारंभ आरंभ तीन, योग मन वचन काय तीन, कृत कारित अनुमोदना तीन और चार। अब इसको इंटू कर लो आप, थ्री इंटू थ्री नाइन, और फिर नाइन इंटू थ्री 27, 27 इंटू फोर 108, तो 108 प्रकार के कर्म आने के द्वार है कर्माश्रव, और हम उसी के छेदन भेदन के लिए 108 मणि की माला भी करते हैं। और रोज हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो बोलते हैं समरम समारंभ आरंभ कृतकारित अनुमोदना से, प्रतिक्रमण में भी हम प्रायश्चित इसी प्रकार से करते हैं क्योंकि आने के द्वार इसके कितने हैं 108 प्रकार से होते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि समरम यानी क्या हो गया, समरम यानी क्या, ये देखो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू जीवाधिकरण के 108 भेद हो गए। जीवाधिकरण के च शब्द का क्या अर्थ है, च से क्रोधादि के विषय अनंतानुबंधी आदि को भी लगाना चाहिए, अभी इसको हम नहीं लगाएंगे, अभी रुकेंगे इसको। चलिए आगे हम जो सूत्र ले रहे हैं इसका ही पढ़ेंगे हम कि समरम समारंभ आरंभ यानी क्या। पहला हम लेंगे समरम, समरम यानी क्या, हमें कोई काम करना है, हमें मान लो झूम चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, झूम चलाना है तो उसके लिए एक मन में योजना हमें बनाने पड़ेगी, किसी कार्य की योजना को बनाना उसे समरम कहते हैं, कि हमें झूम शुरू करना है, लोगों को हमें क्या करना है बैनर डालना है, लोगों को बताना है, हमने मन में एक योजना बना ली कि झूम पे हमें ऐसे ऐसे करना है, तत्वा सूत्र पढ़ाना है, भक्तांबर करना है, शांति धारा करना है, ये समरम हो गया। अब समारंभ क्या हो गया, इसके लिए जो कार्य आवश्यक सामग्री है, अब झूम के लिए आवश्यक सामग्री क्या हो गई, सबसे पहले तो हमें झूम को एक्टिवेट करना है, उसके लिए अर्थ लग रहा है, पैसा लगेगा झूम शुरू करने के लिए, फिर बैनर बनाना पड़ेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये चलेगा, सब लोगों को बताना पड़ेगा उसकी सामग्री, फिर लैपटॉप लग रहा है, मोबाइल लग रहा है उसको देखने के लिए, कुछ चीज हमें पढ़ना है तो बुक लग रही है, तो कोई भी चीज को कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जमा करना। और आरंभ यानी अब आपने झूम प्रारंभ कर दिया, वो आरंभ हो गया। एक और उदाहरण से हम समझेंगे, हमें मन में आ गया कि रोटी बनाना है, हमें चपाती बनाना है, फलके बनाना है, ये हमारे मन में समरम यानी कार्य की योजना बन गई कि हमें रोटी बनाना है। अब समारंभ, अब रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, पटा बेलन चाहिए, तवा चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, ये क्या हो गया, ये पूरे समारंभ हो गया यानी ये कार्य के लिए आवश्यक सामग्री आरंभ। और जब हमने रोटी बनाना प्रारंभ कर दिए तो वो आरंभ हो गया, वो क्या हो गया, आरंभ हो गया रोटी बनाना हमारा।
शुरू हो गया। इस प्रकार से हर चीज में समरम समारंभ आरंभ लगा लेना। अब तीनों भी चीजें मन से वचन से काय से होती है। तीनों चीजें काय से होती है, बिना मन वचन काय से होंगी क्या? नहीं, आपने मन में उसको सोचा, फिर वचन में लाया और काया से उसको कार्यान्वित किया। मन से योजना बताई, वचन से योजना बनाना और शरीर से योजना को करना, तो ये योग से होता है। तीनों भी चीजें समरम समारंभ काय से हुई, मन वचन काय से। अब हमने क्या करे, कृतकारित अनुमोदना को समझना है। कृत यानी क्या हो गया? कोई भी चीज को स्वयं करना। कारित यानी क्या हो गया? कोई भी चीज दूसरे से करवाना। और अनुमत क्या हो गया? अनुमत यानी अनुमोदना, मतलब जो करने वाले की अनुमोदना करना, जो काम जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करना, यानी करने वाले की अनुमोदना करना, ये क्या हो गया? अनुमत हो गया। ये भी तीन प्रकार के कृत कारित अनुमोदना, ये भी तीन हो गए। अब उसके बाद से कसाय, कसाय भी कितने प्रकार की होगी? चार, क्रोध मान माया लोभ। अब इन सबको हमने जोड़ा तो कितना हो गया? मन वचन काय से जोड़ना है, समरम समारंभ आरंभ तीन, कृतकारित अनुमोदना तीन, तीन तीरिया नौ, नौतिया सत्ताईस, और सत्ताईस इंटू चार कितने हो गए? 108 हो गए, 108 हो गए। अब इसके आगे तो इस प्रकार से हमने 108 जो गुण है हमारे, उसको हमने देखा कि 108 प्रकार से जो कर्मों के आश्रय होते हैं, जीव के आधार से होते हैं, इन चारों के भेद को परस्पर हमने गुणा करने के बाद जीवाधिकरण के कुल भेद जो 108 है वो किए। समरम किसी काम के करने का इरादा, समारंभ यानी इरादा अनुसार सामग्री जुटाना और आरंभ यानी उसे करना, कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से कराना, और अनुमोदना यानी दूसरे से किए हुए काम की हमें क्या करना है, उसकी अनुमोदना करना। ये क्या हो गया? जो हमने अनुमोदना की, ये सब क्या हो गया? 108 प्रकार से भेद हो जाते है, इनके 108 प्रकार से भेद हो गए। शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति करते समय संसारी जीवों के भाव इन 108 अवस्था में से ही किसी न किसी रूप अवश्य ही होते है। शुभ कार्य करो चाहे अशुभ कार्य करो, ये 108 अवस्था में से किसी न किसी रूप में से हमें गुजरना ही पड़ता है। यह अवस्थाएं भावाधिकरण है, इन भावों की शुद्धि के लिए ये भावाधिकरण है, और इन भावों की शुद्धि के लिए ही हम 108 दाने रखते हैं मणि में। हमारे 108 दाने रहते हैं हमारी माला जाप में, और तीन ऊपर रहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। प्रत्येक दाने पर एक एक दोष के त्याग का विचार करना चाहिए। प्रत्येक दाने पर अब हमको 108 पता चल गया क्या होता है, तो प्रत्येक दाने पर इस प्रकार से हमें जो 108 प्रकार से कर्म बन रहे हैं, हमारे जो दोष लग रहे हैं, उसका हमें विचार प्रत्येक दाने पर करना चाहिए कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, इसमें अशुभ तो नहीं किया है। 108 दानों के अतिरिक्त ऊपर में तीन दाने रहते हैं, रजमय दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के, यानी इनकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, शुद्धि की भावना के लिए 108 प्रकार से जो कर्माश्रव है उसको नष्ट करने के लिए अशुभ कर्माश्रव को 108 प्रकार से माला जाप हमें करना रहता है। सूत्र में कषाय से चार और अंतरंग भेद लेने से प्रत्येक कषाय के चार भेद जो है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान लाया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और सज्जवदन क्रोधमान माया लोभ, ये चार 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 16 हो जाते हैं। तो 108 में इन चार से यदि गुना करते हैं तो इसके और 432 भेद भी हो जाते हैं। अब हमें वहां तक नहीं जाना है, वैसे ये 432 भेद होते हैं यदि कसाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन मिलाए तो। तो इस प्रकार से जीवाधिकार के 108 प्रकार से कर्म आश्रय है। शुभ पुण्यश्च शुभ पापश्च, हमने देखे थे शुभ और अशुभ दो भेद, और अब हमने देख लिए जीव के आधार से 108 प्रकार के कर्माश्रव आने के द्वार है।
और अब आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे अब अजीव के आधार आश्रय के आश्रय। अब हमने पहले क्या देखा, 7 नंबर वाले श्लोक में हमने क्या देखा था, अधिकरण आधार, किसके आधार, अधिकरणम जीवा जीवा, यानी अधिकरणम आधार जीव और अजीव दो देखे थे ना, तो अजीव के आधार अब हम देख रहे हैं। जीव के आधार हमने देख लिए, बेस क्या हो गया, 108 प्रकार से कर्मों के आने के द्वार। अब अजीव के आधार आने उसके आश्रय से आश्रय, अब कैसे हो गया, निर्वर्तनानी निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रि भेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रि भेदा परम। पढ़िए, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रि भेदा परम। निर्वर्तनानि क्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्विर त्रि भेदा परम। हाँ, थोड़ा सा शुद्ध कठिन है पढ़ने में, एक दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएंगे। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रि भेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रि भेदा परम। संधि विच्छेद, निर्वर्तना निर्वर्तना फिर निक्षेप फिर संयोग प्लस निसर्गा प्लस द्वि प्लस चतुर प्लस द्वि प्लस त्रि प्लस भेदा परम। अब यहाँ पर क्या बोल दिए, निर्वर्तना, निर्वर्तना यानी क्या, रचना करना, निर्वर्तना यानी रचना करना, निर्वर्तना यानी। और निक्षेप, निक्षेप यानी वस्तु को उठाना रखना, संयोग, संयोग यानी वस्तु को आपस में मिलाना, संयोग यानी हम बोलते ना इसके संयोग से हुआ उसके संयोग से हुआ तो मिलाना। निसर्गा मन वचन काय की प्रवृत्ति, निसर्गा ने मन वचन काय की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को निसर्गा कहते हैं। ये कैसे है, द्वि यानी दो, चतु यानी चार, त्रि यानी तीन, भेदा यानी भेद है, परम सूत्र 8 के बाद वाले अर्थात अजीव अधिकरण के है। अब पहले हमने जीव का अधिकरण देखा 108 प्रकार से, और फिर अब हम क्या देख रहे हैं, अजीव का देख रहे हैं अधिकरण। तो ये कैसा है, निर्वर्तना, निर्वर्तना को क्रम से कितने ले लेंगे हम, द्वि दो भेद वाला, निक्षेप, निक्षेप को 4 प्रकार से चतु क्रम से लगाएंगे हम, संयोग, संयोग त्रि तीन भेद, और उसके बाद निसर्गा, निसर्ग के द्वि दो हो गए, निसर्ग के क्रमशः दो हो गए, फिर निर्वर्तना के दो, निसर्ग के 4 हो गए, और संयोग के 2 हो गए, और नहीं योग के 3 हो गए और निसर्ग के 2 हो गए। इस प्रकार से दूसरे अजीवाधिकरण के भेद हो गए, निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग, निर्वर्तना के 2 निक्षेप के 4 संयोग के 2 और निसर्ग के 3 क्रम से लेना है, 2 4 2 3, निर्वर्तना के 2 निक्षेप के 4 संयोग के 2 और निसर्ग के 3। इस प्रकार से हम टोटल करेंगे तो कितने हो गए, ये 11 भेद हो गए। अजीवाधिकरण, अजीवाधिकरण यानी अजीव के आधार से जो आश्रय होता है वो अजीवाधिकरण होता है। परम लिया है यहाँ पे, परम यानी अगला, नेक्स्ट, पहले क्या लिया था, आद्यम, आद्यम यानी हमने क्या पढ़ा 7 नंबर श्लोक में, अधिकरण जीवा जीवाहा, हमने क्या पढ़ा 7 नंबर में, तो हमने पढ़ा अधिकरणम जीवा जीवा, पढ़ा अधिकरणम जीवा जीवा। तो यहाँ पर आद्यम यानी पहले जीव, परम यानी नेक्स्ट यानी अजीव, तो अजीव के आश्रय के आधार क्या है, वो 11 प्रकार के है,
अजीव आदि के आश्रय से जो आश्रय होता है वो अजीवाधिकरण है, उनके आधार से परम, परम यानी अगला, नेक्स्ट, आद्य यानी जीवाधिकरण, परम यानी अजीवाधिकरण। अब इसका जो है निर्वर्तना, अब निर्वर्तना के जो भेद बताए हैं दो, निर्वर्तना के दो भेद हम लेंगे, अजीवादि निर्वर्तना, निक्षेप संयोग और निसर्ग, क्रम से हमने इसको लिए तो इसके भेद आ गए दो, फिर चार, फिर संयोग के दो और निसर्ग के तीन। अब निर्वर्तना, निर्वर्तन यानी किसी भी चीज की रचना करना, निर्वर्तना यानी क्या, किसी भी चीज की रचना करना, पहले क्या होती है किसी भी चीज की रचना होती है, उन्हें उत्पन्न करना, रचना करना यानी किसी चीज को बनाना, उत्पन्न करना, बनाने का काम ही निर्वर्तना है। उसके दो भेद होते हैं, उसके आश्रय से जो परिणामों में जिस तरह के भाव आते हैं वो निर्वर्तना नाम का अजीवाधिकरण है। निर्वर्तना के आश्रय से हमने कोई भी चीज बनाई, उसकी रचना की, तो उसके आश्रय से हमारे परिणामों में जिस तरह के भाव आते हैं वही निर्वर्तना है, वही अजीवाधिकरण है। जैसे अजीवाधिकरण की यहाँ बात हो रही है, हम साड़ी वगैरह पहनते हैं, यदि हमने उसकी फिगर वाली साड़ी पहन ली है, अब आपने फिगर वाली साड़ी पहने, उसका ब्लाउज कट किए, ब्लाउज को कट करने के बाद ब्लाउज पीस को और हम कट कर रहे हैं, उस पे गाय बनी है, मछली बनी है, कहीं बकरी बनी है, कहीं हाथी बना है, कहीं घोड़े बने हैं। अब वो हमने क्या करे, कट कर लिए साड़ी ब्लाउज बनाने के लिए, तो क्या हो गया, उसमें जो फिगर बने हुए थे उस कपड़े को आपने काटा, वो फिगर भी कटा, देखो बात बहुत गंभीर है, अब वो कट गया, जो उसका दोष लगा पहनने में, हम बैठे, हम उसके ऊपर बैठ गए फिगर वाले चीज पे, बात थोड़ी सी गंभीर है, वो सब क्या हो गया, अजीवाधिकरण हो गया, उनके कारण से हमें पाप लगता है। जैसे दरवाजे पे हम रंगोली डालें, हमने पहले बहुत रंगोली डाले, कभी गाय बना रहे, गऊ बना रहे हैं, कभी राम जी बना रहे हैं, दशहरे का दिन है तो राम लक्ष्मण बना रहे हैं, दिवाली का दिन है तो लक्ष्मी जी बना रहे रंगोली से रोड पे, अब वो हमारे पैरों से मिट रही, कहीं गाड़ी के तले आ रही है वो रंगोली, तो ये अजीवाधिकरण का पाप हो गया, ये अजीवाधिकरण और उसके निमित्त से कटपीट होने से हमें जो पाप लग रहा है वो अजीवाधिकरण पाप है। आप पार्टी में जाते हो, दावत में जाते हो, आजकल क्या करते हैं, लौकी कद्दू के कोई मछली का आकार बनाता है, कोई किसी चीज का आकार, कोई किसी चीज का आकार, फिर उसको कट करते हैं, खाते हैं, ये सब दोष लगता है, ये अजीवाधिकरण है, ये सब पूरा इसके आश्रय से, अजीवाधिकरण के आधार से जो आश्रय होता है वो सब का हमें दोष लगता है, इसलिए कहते हैं ना आजकल फिगर वाली साड़ी नहीं पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, वो नहीं पहनेंगे। उसके बाद निक्षेप, निक्षेप यानी क्या होता है, वस्तु को रखने, रख रखाव वस्तु का कैसा होना चाहिए, ये चार प्रकार से बताया गया है वस्तु का इसके। अच्छा, निर्वर्तना के भेद रह गए, निर्वर्तना के दो भेद है, निर्वर्तना के मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण यानी अंतरंग साधन, उत्तर गुण यानी बहिरंग साधन, जैसे शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान, ये जो है श्वासोश्वास, शरीर आदि, ये जो हो गए ये पुद्गल द्रव्य की रचना, अंतरंग रचना हो गई, शरीर, वचन, मन और श्वास, निश्वास, ये सब पुद्गल द्रव्य की रचना हो गई, ये अंतरंग साधन रूप जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोग है, शुभ में भी और अशुभ में भी, ये हो गए मूल गुण निर्वर्तना। अब दूसरा उत्तर गुण, निर्वर्तना के जो दो भेद थे, अब उत्तर गुण, उत्तर गुण निर्वर्तना में पुद्गल द्रव्य आ गया पूरा, क्या आ गया, लकड़ी, पत्थर, काष्ठ, चित्र, चित्र बनाना, ये सब बहिरंग साधन रूप में शुभाशुभ प्रवृत्ति उपयोग, जैसे खिलौना बना रहे है, आप काष्ठ का लकड़ी के खिलौना बना रहे है, चित्र कर रहे है, ये सब जो जो चीजें है ये शुभाशुभ प्रवृत्ति, शुभ भी होती है और अशुभ भी प्रवृत्ति इसमें होती है, और उसको बनाने में जैसे भाव आपके लग रहे हैं उस भाव को ही अजीवाधिकरण, उसके आश्रय से जो आश्रय हो रहा है उसको यहाँ पर उत्तर गुण बहिरंग साधन का आश्रय कहा गया है। अब हम आगे चलते हैं,
मूल गुण और उत्तर गुण आपको समझ में आ गया। शरीर, श्वासोश्वास, निश्वास, ये जो है मन, वचन, प्राण, ये सब हो गए मूल गुण, और उत्तर गुण जो हो गए वो बहिरंग साधन हो गया, है ना। अब आगे हम इसमें चलेंगे, दूसरा जो भेद था इसका निक्षेप, और निक्षेप के गुण कितने बताए थे, चार गुण निक्षेप के बताए थे। ये दूसरा निक्षेप, वस्तु रखने को निक्षेप कहते हैं। अब ये चार टाइप से निक्षेप होता है, निक्षेप कितने प्रकार से बताया, चार। अब पहला कौन सा है, सहसा निक्षेप। हाँ, निक्षेप जो है निर्वर्तना है, निक्षेप वस्तु रखने को कहते हैं, चार प्रकार। हाँ, ये निक्षेप के चार भेद बीच में है, अप्रत्यविक्षेप बिना देखे, दुप्रमुष्ट बिना परिमार्जित दुष्टता से, सहसा भय शीघ्रता के कारण, और अनाभोग यानी उपयोग रहित कहीं भी किसी भी वस्तु को रख देना। यद्यपि कोई जीव मरे या ना परे, हमने चीजें रख दी, ये बिना देखे रख दी, सहसा से रख दी, शीघ्रता से रख दी, चार प्रकार से वस्तु को रखा जाता है, हमने रख दी। इसमें कोई जीव मरे या न मरे, बिना देखे आपने रखे, उस जीव के आधार से बिना देखे रखने से पाप का बंध तो होता ही है, क्योंकि आपने देखने वाली प्रवृत्ति जो है उसको ही नष्ट कर दिया। आपने वहां पे देख के नहीं, हम चटाई आदि पे बैठते मंदिर जाते हैं, यदि हम ऐसे ही बैठ गए, कोई जीव है या न है पर वहां पे मरने का दोष हमें लगता है, कभी भी चटाई को थोड़ा सा झटको, उसको परमार्जन करो, थोड़ा सा हमें रुमाल से उसको हिला दो या ऐसी थोड़ी सी झटक दो उसको चटाई को बैठने के समय, तो ये पाप बंद नहीं कहलाएगा, ये अजीव के आधार से होता है। अब ये यदि हमने नहीं देखा और हम बैठ गए तो ये अजीव के आधार से पाप बंद होता है। ये चार प्रकार से, अप्रत्यविक्षेप, दुप्रमुष्ट, सहसा और अनाभोग, ये निक्षेप के चार प्रकार हो गए। अब दूसरा जो हम देख रहे हैं संयोग, पहले हमने वो देखे, इसके जो चार भेद है इसमें हमने पहले जो देखे निर्वर्तना देखे जिसके दो भेद, दूसरा निक्षेप देखे जिसके अप्रत्यविक्षेप, दुप्रविष्ट, सहसा और अनाभोग चार देख लिए। अब हम देख रहे हैं संयोग, संयोग के दो भेद, भक्तपान और उपकरण। अब इसमें क्या है, कोई भी चीज को मिला देना, संयोग यानी मिला देना, जैसे विरुद्ध जल आदि मिलाना, सिद्ध और शीत उष्ण, शुद्ध अशुद्ध मिला देना। लेकिन जैसे हमने क्या करे, जब रोज सब्जी का झोंक लगाते हम राई और जीरा दो यूज करते, जहां हमने राई यूज करे है और उसके अंदर हम नमक मिर्च मसाला डाल देते हैं, राई आपने डाली और नमक आपने डाला, दोनों चीज मिल गई, दोनों का झोंक लगा दिया, राई और नमक को मिलाने से क्या हो गया, जीव की उत्पत्ति हो गई। जैसे आपने दही और गुड़ दो चीज मिला दी तो उसमें भी जीव की उत्पत्ति हो गई। विरुद्ध जल मिलाना मतलब ठंडा जल गरम जल, सचित्त अचित्तपना, ठंडा जल है गरम जल में मिला दिया। शीत उष्ण में क्या हो गया, शीत उष्ण में जैसे बाहर शास्त्र जी पीछे लेके महाराज जी लोग बैठे हैं मान लो, और वो आए और उन्होंने क्या करा, जो कमंडलू रखा था वो तो ठंडा था अंदर रखा है, गरम पीछे से कमंडलू का परमार्जन उनने जैसे कर लिए, तो उससे क्या हो गया, वो जो जीव थे वो उससे मर गए, तो उसका दोष हो गया। भक्तपान संयोग, सचित्त अचित्त खान पान को एक में मिला देना भक्तपान संयोग है। दाल आपने गरम बनाई, उबाली, अब गाढ़ी हो गई, ठंडा पानी डाल दिए दाल में, ये भक्तपान संयोग हो गया। ये हल्का सा कुनकुना पानी करके रखो और जहां आपको जरूरत पड़ती वहां उसको डालो। और दूसरा होता है उपकरण संयोग, पहला भक्तपान, दूसरा उपकरण संयोग, पुस्तक है, कमंडलू है, शरीर आदि धूप में गर्म हुई, पीछी हमारा शरीर गर्म है, धूप में पीछी गर्म हुई और उससे पोछना, शीत और उष्ण उपकरणों को मिलाना, पीछी गर्म थी कमंडलू में लगा दिए, शरीर ठंडा था गर्म पीछी शरीर में लगा दिए, तो क्या गया, शीत और उष्ण उपकरणों को मिला देना, शुद्ध और अशुद्ध शोधना, सो उपकरण संयोग है, उपकरणों को मिलाना उपकरण संयोग है, शुद्ध चीज को
अशुद्ध चीज में मिला दी। अरे भाई, हमने तो वो शुद्ध करके रखा था, शोध के रखे थे मनुख का, आपने लाए और दूसरे मिला दिए, अशुद्ध हो गया। शुद्ध चीज में अशुद्धपना मिलाना। और अब चलते हैं हम चौथा भाव, संयोग के बाद भक्तपान उपकरण। अब इसके बाद हम चलते निसर्ग की ओर, निसर्ग के तीन भेद। तीन भेद में क्या आ गया, काय, वचन और मन। निसर्ग नाम प्रवृत्ति करने का है, मतलब किसी भी चीज की प्रवृत्ति करना। निसर्ग स्वभाव ले लो, नैसर्गिक तरीके से जो हो रही है वो प्रवृत्ति स्वभाव। इसके तीन भेद है। पहला जो है शरीर से कुचेष्टा आदि, यानी काय से, काय से क्या कर रहे हैं आप, कुचेष्टा कर रहे हैं, काय की प्रवृत्ति करना, दुष्टता पूर्वक, कुचेष्टा पूर्वक काय की प्रवृत्ति करना। दूसरी क्या होगी, वचन की, दुष्ट वचन बोलना, किसी को भी गाली आदि दे देना। मन से दुष्ट विचार आदि, मन में आपके दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति करना, वो निसर्ग है। मनो निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। काय निसर्ग अपने शरीर से जो कुचेष्टा की, वचन निसर्ग जो आप वचन से गंदा गंदा बोल रहे हैं, मन निसर्ग जो मन में आप बुरे बुरे भावों को सोच रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे मन वचन काय की प्रवृत्ति के कारण जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनका आधार क्या हुआ, उसका आधार अजीवाधिकरण हुआ। मन वचन काय जो है ये पौद्गलिक है और इनमें होने वाले परिणामों से ही हमें बचना है। ये जो परिणाम होते हैं ये 11 प्रकार के बताए हैं अजीवाधिकरण के भेद, 11 टाइप से किसी न किसी रूप से हमसे आश्रव इसका होता है। तो इसके ही पाप से, पाप बंध से हमें बचना है। पहले हमने देखे जीवाधिकरण, दूसरा हमने देखे अजीवाधिकरण। इस प्रकार के जीव अजीव इन दोनों अधिकारणों के आश्रय से शुभाशुभ कर्मों का आगमन होता है और यह सामान्य रूप से आश्रव के भेद कहे और विशेष आश्रव के कारण जो है वो भी आगे आएंगे। अभी ये सामान्य तरीके से जीवाधिकरण 108 प्रकार का, अजीवाधिकरण 11 प्रकार का हमें कहा है। कोई जो जीवाधिकरण हमने देखे उसमें कृतकारित, समरम समारंभ, मन वचन काय और चार कषाय, सबको इंटू करें तो वो क्या हो गया, 108 प्रकार से हो गया। जैसे हमने क्या हो गया, इसके ना पाप पुण्य के जो बंध भी होते हैं वो उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार के आपके परिणाम चल रहे हैं। हमने जो देखा समरम समारंभ आरंभ कृतकारित अनुमोदना, मान लो कि हमने कहीं गए और चौका लगा रहे हैं, हम चौका लगा रहे हैं, महाराज जी का चौका तो लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर रोज रोज हमारे यहाँ आचार्य शिक्के हो गए, फिर सुधा सागर जी, फिर प्रमाण सागर जी के बड़े बड़े आचार्यों के हमारे यहाँ चौका में आहार हो रहे हैं। अब क्या हो गया, आपको घमंड आ गया। मान लो एक पल के लिए मान लो कि उस व्यक्ति को घमंड आ गया कि हाँ मेरे यहाँ तो बड़े बड़े आचार्यों के आहार हो रहे है, तो उसको घमंड आ गया। तो क्या हो गया, वहां पर घमंड आने से मान कसाय की तीव्रता। आपको भी यदि घमंड आ गया, हो मैं तो इतना बढ़िया पढ़ रही हूँ, मैं तो इतना बढ़िया तत्वासूत्र पढ़ रही हूँ, तो आप घमंड आ गया मान लो कि, तो वो घमंड जो हो गई वह मान कसाय की तीव्रता हो गई। तो आप जो पढ़ रहे थे वो पुण्य कर्म तो कमजोर पड़ गया, जो आप झूम पे पढ़ रहे हो तत्वासूत्र उसका पुण्य तो कमजोर हो गया और आपके अंदर थोड़ी सी भाव आ गया कि मैं तो सबसे बढ़िया पढ़ती हूँ, मैं ही तो सुबह का संभालती हूँ, मैं ही तो ऐसा करती हूँ। तो जो भाव दुष्ट प्रवृत्ति आ गई आपके अंदर मन से, तो वो क्या हो गया, मनोयोग की जो कसाई की, मान कसाई की जो तीव्रता हुई, उससे आपने जो पुण्य किया था 1 घंटा बैठ के यहाँ पढ़ने का, वो कमजोर पड़ गया। जो चौका लगा रहा था व्यक्ति, उसको घमंड आ गया तो उसका पुण्य कमजोर हो गया। लेकिन जो बाजू वाला था उसने अनुमोदना कर ली, मान लो उसने चरण छुआ आपके, ए मैं आपके चरण छूता हूँ, आपके बड़े बड़े महाराज के आहार हो रहे हैं, काश मैं भी चौका लगा पाता, मुझे भी ऐसा सत्संग मिलता, उसने अनुमोदना मात्र की और वो अनुमोदना मात्र करने से उसका पुण्योदय बढ़ गया, उसके विचार अच्छे हुए, उसका पुण्य बढ़ गया। आपने घमंड किए, मान कसाई की तीव्रता की और आपके पुण्य घट गया, क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। कितना पुण्य आपने किए थे वो आपका कम हो गया, जीव गया और हार गया।
इस प्रकार से ये जीवाधिकरण का है। अब पंच कल्याणक हो रहा है और आपको लग रहा है हमारे यहाँ तो महाराज जी आए हैं, अब ऐसे ही बढ़िया सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, अब मैं ही उसमें सौधर्म इंद्र बनूंगा, किसी को नहीं बनने दूंगा, ऐसा घमंड क्या आ गया। तो आप जो सिद्ध चक्र विधान में बैठ के आपने जो पुण्य किया वो खत्म हो गया, मैंने तो किसी को बोली नहीं लेने दिया, मैंने ही बड़ी बोली ले लिया, ये जब मान कसाई की तीव्रता होगी तो आपका पुण्य घट गया। लेकिन जो बना भी नहीं है सिद्ध चक्र में सौधर्म इंद्र, लेकिन वो सिर्फ भावना बह रहा है, आहा कितना अच्छा इनके पास इतना पैसा है, कितना अच्छा सौधर्म इंद्र बन गया, कभी मेरे पास भी रहेगा, मैं भी बोलू लूंगा, कभी मैं भी बनूंगा। उसने मात्र अनुमोदना की उसकी सौधर्म इंद्र बनने की, तो पुण्य किसका अधिक हो गया, जो अनुमोदना कर रहा उसका पुण्य अधिक हो गया, जिसने मान कसाई की उसका पुण्य कम हो गया। पुण्य भी हीनाधिक इसमें होता है। कृतकारित अनुमोदना संभ्रम समारंभ आरंभ में जिस प्रकार की आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रकार से ही आपको पुण्य पाप रूपी बंध होगा, जिसके परिणामों में तीव्रता है उसके परिणामों में पाप बंध ज्यादा, और परिणामों की विशेषता है तो पुण्य बंध कृत से ज्यादा, कारित से कम, अनुमोदना से और कम लगता है या ज्यादा भी हो सकता है, कृतकारित अनुमोदना से कम ज्यादा होते रहता है। जैसे परिणाम रहेंगे वैसा संभ्रम समारंभ आरंभ कृतकारित अनुमोदना से वैसे ही आपको पुण्य पाप का बंध होगा। और हमने दूसरा देखे अजीवाधिकरण, अजीवाधिकरण में हमने देखे निवृत्तना, जो निवृत्तना है उसके दो भेद देखे, मूल गुण और उत्तर गुण। फिर हमने देखा निक्षेप, निक्षेप का चार प्रकार से रखना देखे हमने, और उसके बाद हमने देखे संयोग, संयोग दो प्रकार से देखे हमने, मिलना संयोग यानी मिलाना, और हमने जो उसके बाद देखे संयोग के बाद हमने देखे निसर्ग, निसर्ग यानी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति स्वभाव वो कैसे देखे हमने, वो तीन प्रकार से देखे। इस प्रकार से हमने आजीवाधिकरण, जीव का अधिकरण और अजीव का, दोनों चीज आज हमने देखी कि अजीवाधिकरण से कैसा पुण्य पाप होता है और जीवाधिकरण से कैसे पुण्य पाप होता है। जैसे हमारे परिणाम रहेंगे वैसे ही होगा, जैसे हमारे भाव रहेंगे वही। अजीवाधिकरण आपने कद्दू की किसी ने मछली बना का आकार बना लिया कद्दू में या लौकी में, हमने अभी उदाहरण दिया था, उसको कट कर रहा है तो उसका हमें दोष लग गया। हमने फिगर वाली साड़ी पहने हाथी घोड़े बने हैं उस पे हम बैठ गए, उसका हमें दोष लग गया। फिगर वाली साड़ी खरीदने पहनने का त्याग ही कर देना चाहिए हमें, फिगर वाले कोई भी पकड़े कोई भी कपड़े का। तो इस प्रकार से हमने चार भेद इसके भी देखे, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग, फिर निर्वर्तना के दो भेद हमने देखे मूल गुण उत्तर गुण, और फिर हमने निक्षेप के अप्रत्यवेक्षित बिना देखे, दुप्रमुष्ट बिना परिमार्जित दुष्टता से, परिमार्जन नहीं किया अच्छे से उठा के उस पे रुमाल नहीं हिलाई, सहसा यानी भय से शीघ्रता से जल्दी कारण से आए और चीजों को पटक दिया, अनाभोग उपयोग रहित कहीं भी अपना ध्यान नहीं है और कहीं भी किसी भी चीज को आपने जल्दबाजी में रख दिया। चार प्रकार बिना देखे बिना ढंग से कहीं भी रख देना जल्दी से रख देना, ये चार प्रकार का निक्षेप हमने देखे। इसमें कोई जीव मरा हो ना मरा हो लेकिन हमने जो बिना देखे रखे है उसका आश्रय तो हमें हो गया। अजीव को बिना देखे रखने से पाप का बंध तो हमें हो ही गया, कोई जीव उसमें नीचे था नहीं छा मरा नहीं परा उससे मतलब नहीं, लेकिन हमने हमारी क्रिया शुद्धि पूर्वक नहीं किए इसलिए हमें पाप का बंध हो गया, ये ही अजीव से अजीव के आधार से होने वाला आश्रय है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं संयोग एक बार और ले रहे हैं हम, भक्तपान और उपकरण। हमने दो चीज इसकी देखी थी, विरुद्ध जल आदि मिलाना और शीत उष्ण आदि, राई और नमक का झोंक लगा देना, ठंडा गर्म में गर्म, गर्म में ठंडा मिला, ठंडा में गर्म मिला देना, शुद्ध में अशुद्ध मिला देना, शीत का उष्ण और उष्ण का शीत कर देना। भक्तपान में सचित अचित चीजें आ गई और उपकरण में शीत उष्ण शुद्ध अशुद्ध दोनों चीज इसमें आ गई।
और अब हमने आगे देखा था निसर्ग के तीन भेद, काय, वचन और मन, शरीर से कुचेष्टा कर देना, और हमने फिर देखा था वचन से कुचेष्टा कर देना यानी दुष्ट वचन बोलना, और फिर मन में दुष्ट प्रवृत्ति लाना। इस प्रकार से हमने निसर्ग के भी भेद देखे, काय निसर्ग, वाक निसर्ग, मनो निसर्ग, मतलब दुष्टता पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक कार्य की प्रवृत्ति करना, जीव को मारना, सताना, निष्कारण कष्ट देना, काय निसर्ग, वाक निसर्ग, वचन निसर्ग क्या हो गया आपका, वचनों की स्वेच्छा अनुसार दुष्टता पूर्वक प्रवृत्ति करना अर्थात बोलने में अभद्र अपशब्दों का प्रयोग करना, मनोनिसर्ग यानी मन की दुष्टता पूर्वक प्रवृत्ति करना, मन में दुश्चिंतन लाना। इस प्रकार से जीव अजीव द्रव्य के आश्रय से कर्माश्रय होता है, न जीव अकेला कुछ कर सकता न पुद्गल अकेला कुछ कर सकता, दोनों की मिली भगत से संसार चल रहा है, और जो कर्मों का आश्रय 108 प्रकार से जीवा जीवादिकाल से हो रहा है और 11 प्रकार से अजीवादिकरण प्रकार से हो रहा है, अजीवादिकरण से किसी न किसी रूप से कर्मों का आश्रय होगा इनमें से 108 और 11 119 में से किसी न किसी प्रकार से आश्रय होगा और कर्मों का बंध हमें होगा। ये बात आज हमने इसमें समझ ली कि आश्रय, और फिर अब इसमें हमें अपने परिणामों को संभालना है। क्या करना है, इसमें हमें अपने परिणामों की संभाल करना है। 8 कमरों में प्रत्येक के आश्रयों के कारण आगे हम और पढ़ेंगे, ज्ञानावरण दृष्टावरण कर्मों के आश्रयों के कारण, आश्रयों के क्या कारण होते हैं। ये आज के टाइम तो बहुत हो गया, अब छोड़ देते, इसको कल ले लेंगे 10 नंबर, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों के आश्रय के कारण करने लेंगे। आज आपको समझ गया इतना, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, 4 चीजें हमने आज पढ़ी। ये जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, जीवाधिकरण के 108 भेद, अजीवाधिकरण के 11 भेद, 108 भेद जो कृतकारित अनुमोदना समरम समारंभारम और मन वचन काय क्रोध मान माया लोभ, इसको इंटू करोगे आप तो मन वचन का है 3, इससे समरम समारंभ आरंभ को इंटू किए 3 3 9, और फिर कृतकारित अनुमोदना इंटू 3 कर लिए 9 × 3 27, 27 को क्रोधमान माया लोभ से गुना करो 27 × 4 108, 108 प्रकार के कर्मों के आश्रय है, आने के द्वार है, जो मोरी में डांट लगा हूं। अब इतने ही प्रकार के फिर वो डांट भी लगाना पड़ता है बंद करने के लिए, ये मोरी है कर्म आने की, जैसे कुएं में पानी आने के लिए छोटे छोटे जीरे रहते हैं, ऐसे ही हमारे आत्मा में कर्म आने के 108 प्रकार के दाव, 108 प्रकार के भेद जीवाधिकरण से हुए, और 11 भेद जो हुए वो अजीवाधिकरण के आश्रय से आते हैं। इस प्रकार से हमने आज क्या देखा, अधिकरण जीवा जीवाहा, अधिकरणम जीवा जीवाह देखे, हमने 7 नंबर का सूत्र देखे, और फिर 8 नंबर के सूत्र जो था वो हमने देखे, आद्य समरम समारंभ कृतकारित अनुमोदन कृतकारी कृतकारित अनुमत कसाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चैकशः, ये देखो। उसके बाद हमें 9वां सूत्र जो देखे थे उसमें हमने निवर्तना निक्षेप और निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम, 3 सूत्र आज हमने पढ़े, अजीवाधिकरण के 11 भेद, जीवाधिकरण के 108 भेद, आप ध्यान में रखिए। रोज हम समरम समारंभ कृतकारित अनुमोदना से जो प्रतिक्रमण करते उसमें बोलते हैं, तो 108 प्रकार से ही हम उसको बोलते हैं, यही कर्मों के द्वार है, इसको बंद करने के लिए या तो हम अपने परिणामों में इसमें संभाल करने के लिए प्रतिक्रमण प्रतिदिन हम करते हैं, और अजीवाधिकरण के 11 प्रकार के भेद, ये 108 और 11 में से किसी न किसी रूप में से हमारा कर्मों का आश्रय निरंतर चल रहा है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय।
पंच परेश्री भगवान की जय। तीन कम नौ कोटा कोटि मुनि महाराज की जय।